हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग हैं? आप सब मस्त होगे, उम्मीद करता हूँ कि घर पे सारे बहुत बढ़िया होगे और मस्त होगे। तो गाइस, आज अपनी बीस्ट में हम निकल चुके हैं, कुछ नया अपग्रेड करवाना आपको बता देता हूँ क्या। टैनर वाले विंग्स लगवाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका भाई पता है मोटो व्लॉगिंग करने वाला, तगड़ी तगड़ी तो कुछ बढ़िया चीज़ लगवाने जा रहा हूँ। और गोप्रो, जैसे कि आपको मैंने बताया दिया था, भाई से लिया आया था मैं। तो चलो फटाफट से निकलते हैं और दिखाते हैं सारा सीन, जैसा भी होता है जैसा नहीं होता, ठीक है गाइस? तो चलो चलते हैं। सो फाइनली गाइस, भैया की शॉप पे आ चुका हूँ। पहले दिखाते हैं आज क्या नई चीज लगवा रहे हैं। कैसे हो भैया जी? बढ़िया हो? तो भाई इन भैया को तो आप सभी जानते ही हो, ये हेलमेट भी इन्हीं भैया से ले रखा है। भैया बेस्ट रेट, तारीफ हुई है लेकिन इसकी, नो डाउट तारीफ हुई है। मेरे जितने दोस्त थे ना, भैया कह रहे की बढ़िया हेलमेट लग रहा है और प्राइस भी बढ़िया दिए थे आपने, नो डाउट। तो भैया आज मेरी बाइक में क्या नया अपग्रेड कर रहे हो? कैसे लगेंगे भैया ये? आगे से बल्की लगेगी ना? हाँ, तो मजा आ जाएगा ना, अच्छी क्वालिटी की। गाइस ये देख लो, ग्लोस वगैरह। भैया क्या रेट से स्टार्ट हो जाती है, बताओ? ये विंग आपको 500 रुपए तक के मिल जाएंगे। 500 तक के मिल जाएंगे? भैया ने 550 के बोले थे मेरे को, 50 रुपए कम कर लिए भैया ने, जो मान सम्मान था भैया ने कर दिया। क्यों भैया जी? भैया आप सब आओगे, आप सभी के लिए भी हो जाएगा, ठीक है? बाकी लगवाते हैं, लुक बताते हैं फिर कैसी आ रही है। और फिर जैसे कि आप सभी को मैं घर पे बता रहा था, इसका आप गोप्रो लेने जा रहे हैं हम, फिर जो रास्ते में मोटो ब्लॉग वगैरह होगा वो आप सभी को मैं दिखाऊंगा। और भैया, और अपने पास अब नया कुछ स्टॉक आया है पिछली जब मैंने ब्लॉग बनाया था उससे कुछ? अच्छा अच्छा, दिखा दो आप। अच्छा अच्छा, ये गाइज ऑल बल्क, ये देखो भाई। तो भैया इसका क्या रेट हो जाता है अपने पास? ये 2500 के, ये बढ़िया, मतलब अच्छी क्वालिटी की है। ये देखो भाई, ये कुछ अलग ही लग रहे हैं। भैया पिछली बार मैं ये बैग देख के क्या था, इस बार आपने कुछ नया कर दिया इसमें? इसमें ग्राफिक्स वाला आ गया है। अच्छा, आया ही ग्राफिक वाला है? तो भाई इन भैया की, भाई सच में शॉप पे कुछ नया नया आर्टिकल आता रहता है भाई, सच में। तो अपनी एक बार दोबारा और शॉप बता दो भैया अपनी, कहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है? रोहिणी सेक्टर 15 में दुकान है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास पड़ती है। ओके ओके, तो बाकी बाकी एड्रेस दिखाई देंगे और नंबर आपकी बार फिर साइड में डाल देंगे। चलो गाइस जाते हैं, अब लगवाते हैं फटाफट से, फिर सारी लुक दिखाते हैं। भाई ये हेलमेट देखो आप सभी लोग, ये देखो वो जैकेट देखो भाई। मैं भी अब देखता हूँ, अगर बाइक सेल नहीं करी तो कुछ राइड्स वगैरह की प्रॉपर बढ़िया बढ़िया जैकेटें लेते हैं, ठीक है गाइस? तो चलो बाइक लगाते हैं, वो खड़ी अपनी। और भैया मेरा वो काउल भी जल्दी मंगवा रहे हो? लो भाई, ओ लो, आज ही काउल मिल जाएगा। तो चलो गाइस फटाफट से अब चलते हैं बाहर और लगवाते भैया से। फाइनली गाइज, अब लुक चेक करो भाई, क्या ही अल्टीमेट आ गया भाई, मजा आ गया। ये चेक करो साइड से, क्या ही अल्टीमेट लग रही है, देखो ये देखो भाई कितनी बल्की बल्की लग रही है गाइज, ये देखो। और यहीं से ही काम हुआ है इन भैया से, ये वाला नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, पोस्ट कर सकते हो, इस भाई ने लगाया, बढ़िया काम कर दिया भाई, ठीक है? थैंक यू भाई। चलो भाई अंदर चलते भैया के पास। भैया मजा आ गया, एक नंबर लग रही है भैया, मजा आ गया मेरे को तो। बाइक बल्कि हो गई ना, लुक बदल जाएगी। बस भैया अब एक काम हो रहा है यार, बताइए काउल का? काउल शाम को बताऊंगा पक्का, अगर हाँ मिल जाएगा तो मैं आज ही मिल जाऊंगा। चलो ठीक है भाई, अब मेरे अब हो गया काउल की, वो देखो कैसी लग रही है, अब काउल लगेगा। बाकी विंग्स दिखाए भैया ने एकदम ऑन द स्पॉट ही, मैंने बोला ऑन द स्पॉट ही लगवा दिया ना भैया। बताओ भैया, कुछ सोचा है एकदम लगवा दिया ना? पसंद वही है भैया, पसंद आ जाए तो चीज फिर बंदा नहीं देखता है ना। अब भाई लुक भी अच्छी आ रही है। अच्छा भैया दिक्कत तो नहीं आएगी थोड़ी बहुत? या आ सकती है ऐसा कुछ है, लेकिन देखो इसमें कील लगवाते तब प्रॉपर होते हैं। हाँ भी हमने टेप से तो वो हाँ, टेप का तो कुछ नहीं है ना, कुछ पता नहीं है, निकल जाए। हाँ सही बात है भाई। तो चलो गाइस अब चलते हैं फटाफट से बनी भाई के पास, हम भी लेट हो रहे हैं। और एक ये लिया था भैया से, सही कह रहे थे भैया, क्योंकि बाल वगैरह फिर उड़ने का डर नहीं रहता ना भैया से इस कपड़े से, तो ये लिया है भाई। तो चलो गाइस अब फटाफट से निकलते हैं, ये पैर तो वो निकलते। सो गाइस चेक करो अब, ये रैप हो रही है इसकी गाड़ी। हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया। ये क्या कर दिया भाई? ये कर दिया कुछ अलग कर दिया। अलग कर दिया? Yes. भाई ये ओनली वन इंडिया ऐप तो है। हाँ। या पहले भी थी? किसी ने नहीं करा। और पहले भी थी? दिल्ली में किसी ने नहीं करा रखा अभी करंट में। हाँ ये बिलिनो पे नहीं है, बाकी और गाड़ियों पे तो हो गया था। एक शिफ्ट पे हो रखा था। हाँ 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 हाँ, वो भी अपनी वो हाँ, बाकी हाँ, लेकिन केरला की एक बिलिनो है, उसमें इससे डार्क पेंट हो रखा है। अच्छा 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 अच्छा, बाकी बढ़िया लुक आएगी ना यार, ये बता बस। स्पॉइलर स्प्लिटर अलॉय वलॉय सब कर, अच्छा अलॉय भी करवा रहे हो इस बार? अभी तो बाहर से बोनट बोनट की सब होगा। तो भाई ये गाड़ी प्रॉपर रिव्यू होगी, अभी तो व्लॉग बना रहा हूँ तो इस चक्कर में भी आपको ऐसी दिख रही है। हाँ पहला रिव्यू भाई इसी चैनल पे आएगा, आपको पता ही है भाई, ठीक है? बाकी भाई कुछ अतरंगा करता ही रहता है हमारा, है बढ़िया।
आओ फ्रंट से दिखाता हूँ आपको, आओ फ्रंट से देखो, अग्रेसिव देख रहे हो कितनी लग रही है। अभी तो इसका बम्पर बचा हुआ है, आज हो जाएगी है भाई, आज हो जाएगी या कब तक होगी, कोई आइडिया? अभी इसमें टाइम है कंप्लीट होने का। कितना कितना टाइम लग जाएगा? रैप तो रात तक दे सकते हैं, बट रैप हो जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा। अभी अच्छा 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 और भैया क्या क्या कर रहे हो फिर गाड़ी में बता दे, बताओ भाई। भाई अभी बूट हो रहा है, हाँ स्टीयरिंग व्हील बचा है, हाँ फुट स्टीयरिंग, अच्छा ये फर्स्ट कार्बन, ओके, और उसके बाद ये ग्रिल शायद दूसरी आएगी, यहाँ चटक फटक रही है। तो भाई मतलब सारे स्प्लिटर्स नए, मतलब कुछ तबाही मचानी है इस बार तो। भी अलग लगवा दिया मैंने, बैटमैन हटा दिया। ओहो भाई ये तो वो है अभी वाला जो आजकल चल रहा है ना। हाँ तो भाई गाइज एक दो मरीनों पे लग रखा है सिर्फ। अच्छा अच्छा तो गाइज बाकी इसका रिव्यू में ही आपको सब चीज़ दिखाएंगे, अभी तो एक नॉर्मल व्लॉग था उसमें मैंने कहा चलो भाई की गाड़ी दिखाते हैं, आपने गाड़ी देख ली तो चलो गाइज अब निकलते घर के लिए। सो गाइज मैं जैसे कि आपको पता मोटो व्लॉग कर रहा था घर से, तो भाई की कॉल आई कह रहा कि कुछ इशू आ गया। क्या इशू आ गया भाई इसमें? बैटरी खराब हो गई भाई, देख लो भाई यो चेक करो भाई, बैटरी होली इसकी खराब, यो देखो भाई फर्क तो है भाई बड़ी वाली। अच्छा यो इससे हैवी लिया भाई इतना? हां हैवी है भाई क्योंकि म्यूजिक सिस्टम हैवी है ना, 2 एम्प लग रहे थे। हां हां तो फर्क पड़ा है यार, सही बात है। तो भाई यो इसकी पुरानी है खराब होली, यो नई है, देखे इसमें आ गया ना आ जाएगी वैसे, देखते हैं अभी। चल भाई बाकी देखते हैं क्या सिस्टम बना था। ठीक है गाइस, गाइस भाई गाड़ी में तो बैटरी लग गई है भाई बढ़िया हैवी वाली। तो गाइस घर चल के आप सभी से और बात करूंगा, तो अभी कुछ रास्ते में करूंगा। तो गाइस पता क्या हुआ, गोप्रो की बैटरी लो हो गई यार, इतना बढ़िया सीन था वो मैं आपको दिखाता, लेकिन क्या बताऊं गाड़ी जेड हो गई यार, इसी से डाउन करता हूं भाई, शोर आ रहा था बाहर तो इस वजह से आएगी नहीं। मैं कह रहा था गाइस यार बैटरी है ना गोप्रो में लो हो गई थी, इस चक्कर में कुछ दिखा नहीं पाया बढ़िया बढ़िया सीन। बाकी गोप्रो चार्ज लगा दिया, बाकी आप सभी को मेरी बाइक कैसी लगी यार वो जरूर बताना, कसम से कह रहा हूँ मजा आ गया, विंग्स मेरे को बहुत अच्छे लगे, और बाकी नया रैप भी जल्दी लाएंगे, और कल मैं निकल जाऊंगा भाई ब्लॉग बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया, आप सभी भाई सपोर्ट करोगे ना मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है तो चलो गाइस बाकी अपने भाई से बात करेंगे बैटरी बूटी लगने के बाद, और भी कुछ कि भाई भी आएंगे संडे को उधर, तो बताते हैं सारा सीन जैसा भी होता है। सो फाइनली गाइस मैं घर पे आ गया था भाई, कल बहुत ज्यादा थक गया था और गर्मी गुर्मी भी यार बहुत ज्यादा हो रही थी गाइस। तो भाई मेरे से मतलब ब्लॉगिंग सच में मैं कहा आप सभी से कुछ बात करूँ हो नहीं पाई गाइस, बहुत ज़्यादा थक गया था गाइस, क्योंकि आपको पता है हेलमेट के अंदर एक तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक और ऊपर से बोलना तेज पड़ता है आप सभी को पता ना ये चीज़ें, तो भाई बहुत मतलब भड़क सी हो गई थी, इसलिए मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली से नेक्स्ट डे बात करेंगे। तो भाई अब आज है हाँ नेक्स्ट डे, तो आज भाई आपका भाई निकल जाएगा गाइस व्लॉगिंग के लिए, सस्पेंस है क्या है वो भी मैं जब निकलूंगा जब उसमें मैं सारी चीज बताऊंगा आप सभी को, कहाँ जा रहा हूँ क्या है क्या नहीं सारी चीज। ठीक है गाइस तो नहा रहा है नहा के रेडी वगैरह होके निकल रहा है, कपड़े वगैरह निकाल दिए भाई, ये पड़े अपने कपड़े यहाँ रखते हैं वाइट, और ये रहा भाई अपना हेलमेट, ये रहा भाई गोप्रो, ये कर दिया सेट भाई, थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है, मम्मी बर्तन वगैरह रख रही है, ये रहा भाई ये चेक करो, ये अपना कल नया बैग लाया था, सारे कपड़े वगैरह इसमें डाल दिए, आपका भाई अब प्रॉपर सारी तैयारियों के साथ निकल रहा है। ठीक है तो चलो गाइस फटाफट से जाके नहा लेता हूँ, फिर आगे आप सभी से बात करते हैं तो सीधा GoPro के सेटअप पे या फोन से। ठीक है तो चलो पहले नहा लेता हूँ, फ्यूल पंप मिला है कुछ नया सा लग रहा है ये, चलो यहाँ से डलवाते हैं, आओ गाइस लेट्स गो। चलो गाइस फ्यूल डलवा लेते हैं। सो गाइस आप देख रहे हो भाई अब आपका भाई खींच रहा है बाइक को, भाई रिएक्शन इतने तगड़े आ रहे क्या बताऊं, अभी एक लड़की पीछे नंबर प्लेट मेरे नाम वाली लगी हुई है ना, तो भाई क्या कहते हैं सर्च करके गई और देख के गई और स्माइल पास करके गई, मैं उसको पीछे छोड़ आया भाई कसम से यार गाइस रिएक्शन बहुत तगड़े आ रहे हैं यार कसम से, विंग्स लगने के बाद तो और आई क्या अच्छी काम हो गया यार गाइस कसम से। अभी एक अपना भाई जा गया पीछे, उसका वेट कर रहा हूँ वो आ जाता है। सो फाइनली गाइस बहन के घर पे आ चुका हूँ भाई, क्या बताऊँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है ना लाइफ में, कुछ भी कर लो गाइस फिर भी है ना दिमाग ख़राब होता है। आप सभी के लिए पता है इतनी मेहनत कर रहा था धूप में, सारी ब्लॉग बनाया जिस दिन GoPro लिया था उस दिन के भी ब्लॉग्स थे, लेकिन क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हुआ एकदम GoPro में, वो नहीं होता टाइम लेफ्ट हो गया, अपने आप सारे जितने बड़े बड़े क्लिप्स थी बड़े अच्छी अच्छी सब में स्पीड लग गई, मतलब समझ रहे हो एक स्पीड नहीं होती टाइम लेफ्ट वो लग गया, इतना दिमाग खराब हो रहा था क्या बताऊँ। कुछ कुछ चीज़ें क्लिप्स की इतनी अच्छी अच्छी थी जिसमें वो हुआ, बस जो अच्छी चीज़ें थी वो खराब हो गई, जो बेकार बेकार मतलब ब्लॉग्स में थी
वो चीज उसमें यार क्या बताऊंगा यार। मैंने बनी भाई को भी कॉल किया, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, भाई कह रहे अच्छी भली सेटिंग थी, अब पता नहीं क्या बटन छिड़ा होगा क्या नहीं। भाई भी कह रहे तेरी किस्मत ही पता नहीं कैसी है भाई, मैं क्या करूँ यार, आप सभी के लिए इतना कुछ कर लो, आप सभी के लिए इतना कुछ करता हूँ, फिर भी गाइस पता नहीं क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आता। लेकिन कोई नहीं गाइस, इस दर्द को तो मैं पी रहा हूँ भाई, क्या करूँ, बहुत भाई बोल नहीं सकता मैं कि जो मैंने मेहनत करी थी धूप में और वो चीज़ नहीं हुई जो डालनी थी, तो समझ सकते हो ना वो दुख मैं बता सकता हूँ आपको पता ही नहीं चलेगा गाइज, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मेरी फैमिली हो, समझ रहे हो। बाकी कोई नहीं, जो मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग यहाँ से शुरू होगा, लेकिन क्या करूँ गाइज, वो सारी चीज़ें उसी में घुसनी पड़ रही है, क्या करूँ गाइज, मेरी मजबूरी है, आप सभी थोड़ा एडजस्ट करो गाइज। लेकिन कल से मैं अपनी बहन के घर पे इसलिए ही आया हूँ यहाँ एक हफ्ते रुकने, व्लॉग के लिए तबाही मचाने के लिए, लड़की के साथ कुछ वीडियोस बनानी है बढ़िया बढ़िया, वो दिखी जाएगी आपको, कुछ तगड़ी तगड़ी वीडियो जाएगी आपको, सस्पेंस है बताता नहीं, खतरनाक वीडियो, क्योंकि गाइज बहुत हो गया, आप सभी प्यार दिखाओ, फुल सपोर्ट करना अपने भाई को, मजेदार ब्लॉग्स आएंगे आपको, मैं बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है गाइस। तो चलो आप सभी को जैसा भी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, जल्दी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेकिन अपने भाई को प्यार दिखाना गाइज, ठीक है, जैसे तैसे मैं आपके लिए बढ़िया ब्लॉग्स ला रहा हूँ, ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।